Hello everyone, welcome to my vlog. So here are some glimpses ki aap aage kya expect kar sakte ho. I hope you like the video. ओके सो यहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत फास्ट फॉरवर्ड में चलेगी लाइक वीडियोज़ आना गोना बी नाइस एंड क्यूट बट माय वॉइस ओवर इज़ गोना बी क्वाइट फास्ट लाइक फॉर एग्जांपल दैट वाज मुंबई एयरपोर्ट आज वाज अ मॉर्निंग फ्लाइट तो इसीलिए मैं फ्लाइट में रेडी हो रही हूँ एंड देयर आई एम डन वो मेरा एक्चुअली एवरी डे का मेकअप है जो मैंने अपलोड किया हुआ है Then we reached Jaipur, of course. This is our hotel. We stayed in 4-point Sheraton. Nice, cute lobby. Very late check-in. I hoped ke check-in 10 a.m. ka hota to better hota. 12 p.m. ka tha. Anyway, then we thought ke chalo hum breakfast kar lete hai. Jab tak rooms ready ho rahe, because they were kind enough to give us the rooms early. To ye raha. The eating place, the restaurant, उसका नाम था the eatery. This is like the entrance. इसके बाद जो आप देखोगे is the food spread. Every morning, obviously इस तरह का ही fruit spread होता है. Food spread होता है. What's wrong with me? So obviously you have a lot of fruit options, you have a lot of bread options. Then comes salads and some fancy stuff, microgreens and all. फिर योर टी योर कॉफ़ी योर मिल्क योर कॉर्नफ्लेक्स चोकोज एंड ऑल ऑफ दैट फिर आते हैं आपके रेगुलर आइटम लाइक जलेबी एंड पराठा इस दिन समोसा और पोहा था अलग अलग दिन अलग चीज़ें होती है दिस इज़ माई फेवरेट काउंटर दिस इज़ ऑमलेट काउंटर लाइक द एग काउंटर वेयर दे कुक द एग फॉर यू यमी दे ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ पैनकेक ऑप्शंस एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ स्टफ वी हैड ये मैंने सारा वीडियो में लिया हुआ है बट ये सब मैंने नहीं खाया दिस वॉज एवरी वन ओके राइट सो या आफ्टर दिस वी एक्सप्लोर द होटल लाइक देर वॉज अ स्पा फिर ऑब्वियसली पूल वाला एरिया था जिसमें हम जा नहीं पाए बिकॉज हम मॉर्निंग्स में यहाँ पर नहीं होते थे एंड द नेक्स्ट क्लिप दैट आई एम गोना शो इज गोइंग टू बी ऑफ आवर रूम Then about during the day, we reached Ajmer दरगाह. It was about 2 to 3 घंटे की दूरी पे थी. Obviously दरगाह के अंदर हमने फूल चढ़ाए. There were a lot of things to see here. Like the दरगाह itself is very beautiful. मुझे अजमेर की दरगाह बहुत पसंद है. I wish कि मैं यहाँ पर ज़्यादा जा पाऊँ, but वो हो नहीं पाता बहुत ज़्यादा. सम फैक्ट्स ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत बड़ी एक्सट्रीमली ह्यूज लाइक अबाउट 10 से 20 फीट डीप डेग है और इसके अंदर जो आप देख रहे हो ये सारे लोगों ने अपने हिसाब से जो भी डालना है वो डाला है और वो इतना सारा छोटा छोटा जो दिख रहा है वो बहुत सारे पैसे है दिस इज अढ़ाई दिन की झोपड़ी अढ़ाई मीन्स 2.5 एंड अपेरेंटली दे से कि ये पूरा स्ट्रक्चर 2.5 डेज में बनाया गया था बट वेन यू टेक अ गाइड यू रियलाइज के 10,000 लोग थे आई थिंक 10,000 लोगों ने तो एक दिन में बना देना चाहिए था What I like about going to places like these, जो बहुत ही ज़्यादा कल्चर वाइज रिच है
कि यहाँ पर आपको बहुत सारे रूइंस देखने मिलते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, बिकॉज यूनेस्को ने टेक ओवर किया हुआ है इसको, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट इश्यूज नहीं होते और इसका देखरेख भी बहुत अच्छे से किया जाता है, विच मीन्स कि आपको कई सौ साल पुरानी चीज़ें बहुत खूबसूरती से देखने मिलती है एंड यू नो इट जस्ट मेक्स यू थिंक कि ओ माई गॉड लोग कैसे रहते होंगे, कैसे बनाया होगा एंड व्हाट आर द स्टोरीज, लाइक जो गाइड्स आपको बताते हैं वो स्टोरीज कितनी सच है या कितनी सिर्फ टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई गई है एंड ऑल ऑफ दैट, इट इज जस्ट सो मच फन. Day 2, we were gonna go to Agra, of course, deciding क्या पहने क्या नहीं पहने. ये देखो हमारा रूम कितना मैस हो गया था दो दिन तक, एंड या दिस इज़ लाइक नॉट मी बट होटल रूम को आप क्यों साफ रखोगे राइट, ऑब्वियसली मेरा मेकअप द आयन पैड एंड एनी वे. So finally I decided to wear the other dress, not the first dress jo maine aapko bataya, and once we were ready we headed to Agra. Now plan for this day was ki hum jaate jaate raste mein pehle Fatehpur Sikri karenge, फिर हम आगे जाएंगे ताजमहल, और फिर अगर टाइम बचे तो हम आगरा फोर्ट करेंगे. बट यू विल सी कि टाइम तो बचा था बट हिम्मत ताकत नहीं बची थी, तो वी इम्प्रोवाइज्ड और हमने कुछ फ़न चीज़ें की. इट वाज जस्ट या अ लॉट ऑफ फन 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 फन. Again, as you can see, huge mountains, crazy great structures, and here finally hum Fatehpur Sikri pahunch gaye the. So that's me waving you hi. Obviously, because main chalti nahi hu, to humne jahan jahan possible hua tum tum li, ghoda gaadi li, horse ride kiya and all. And there it is, the beautiful and huge. एक मैसिव, मुझे लगा था ये मैसिव है, बट जब मैंने आगरा फोर्ट देखा आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आमेर फोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा था कि बाप रे बाप. देन ऑफ कोर्स द गाइड्स विल टेल यू द फन स्टोरीज, जैसे उसके पीछे की स्टोरी थी कि दैट वाज द टनल जहाँ से हु वाज दैट चिक, अनारकली को पीछे से निकाल दिया गया था एंड शी वेंट टू पाकिस्तान. नाउ ये सारी क्लिप्स है जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी की तरह ऐड की थी एंड आई रियलाइज्ड कि मैंने वीडियोस नहीं लिए, बट एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स आर सो डैम ब्यूटीफुल. यहाँ का बुलंद दरवाज़ा विच इज़ लाइक द गेट इज सपोज टू बी हाईएस्ट इन एशिया. आप देख रहे हो कितनी बारीकी से काम किया, मतलब यार कैसे करते थे ये लोग. Wasn't that kid cute? He just made us laugh. And then we were done and yahan pe humne thoda time pass kiya and we moved on to Taj.
ताज महल की आप वर्ड्स में तारीफ नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी. देन दिस इज़ द रिवर, आई थिंक यमुना नदी है उसके पीछे या समथिंग लाइक दैट. देन ऑफ कोर्स सम ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ ताज अगेन एंड अगेन. आई ऑल्सो स्पॉटेड दैट क्यूट लिटिल मंकी एंड डू यू सी उसका बेबी ने उसको कैसे पकड़ा हुआ है, जस्ट नाइस एंड क्यूट. फिर हम यहाँ से निकल गए और ना घोड़ा गाड़ी टुक 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 एंड वी रीच्ड आगरा फोर्ट विच इज इन द नेक्स्ट क्लिप. याद है मैंने आपको बोला था कि हमने कुछ स्टूपिड किया? वेल, हमने ये किया, मैंने व्हील चेयर ले ली क्योंकि भाई मुझ में तो चलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी और मैंने बड़ी आराम से बड़ी आसानी से सिर्फ कुछ ही पैसे दे के पूरा के पूरा आगरा फोर्ट ऑलमोस्ट 1 to 2 hours में व्हील चेयर पर देखा. दैट वॉज द हाईलाइट ऑफ माई ट्रिप. नाउ डू यू सी लाइक ओ माई गॉड, मतलब कितनी ह्यूज प्लेसेस होती थी ये सिर्फ डांस करने के लिए. देन ऑब्वियसली दिस इज़ अ मैजिक विंडो एंड ऑल, बट द होल स्ट्रक्चर, लाइक अभी आप आगे देखोगे इतने बड़े बड़े कोर्ट यार्ड्स, इतने बड़े बड़े मीटिंग रूम्स, डाइनिंग रूम्स एंड एंटरटेनमेंट प्लेस एंड ये रानी के लिए ये, वो रानी के लिए वो. ओ माई गॉड, लाइक अमेजिंग. नाउ दीज जो आप देख रहे हो ऑरेंज कलर का एंड ब्लू कलर का, दीज आर सपोज टू बी रियल जेम. और ये देखो फ़ोन की टॉर्च से वो आपको इस तरह से बताते हैं. हैंस द नाइट व्यू इज़ वेरी ब्यूटिफुल क्योंकि जब मून लाइट इसके ऊपर पड़ती है रात में तो ये सब कुछ इस तरह से चमकता है. देन ऑफकोर्स द ह्यूज गार्डन्स, ओ माई गॉड ह्यूज गार्डन्स, आप देख रहे हो कितना बड़ा है, लाइक कितनी जगह वेस्ट करते थे ये लोग. But of course, it just mesmerizes you. It just takes you back into that era and makes you feel like a princess or a prince if you're a guy. And there we are, almost done with Agra Fort. But then हम बहुत भूखे थे and luckily we went to this Karim's which was awesome. So we had amazing दाल मखनी, bread, we had some yummiest ever नली निहारी, obviously मोहसिन को तो chicken चाहिए ही, and we ended with something that can give you diabetes types शाही टुकड़ा. फिर करना क्या था, दूसरे दिन हमने ये सारी मस्ती की, मोहसिन और मस्ती तो विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, समथिंग विच वॉज स्टूपिड एंड फन. एंड देन वी वेंट ऑन टू डे 3. ऑन डे 3 हमने सोचा चलो जयपुर घूमते हैं. सबसे पहले वी वेंट टू दैट म्यूजियम, थोड़ा सा गोटी सोडा एंड ऑल वी ट्राइड, नॉट सो मच फन. एंड देन दिस इज़ वेयर यू सी अस ऑन रूट टू आमेर फोर्ट. आमेर फोर्ट वॉज अमेजिंग, इट वॉज ह्यूज 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 ह्यूज. ये आप गाड़ी में से देख रहे हो कितना बड़ा दिख रहा है. ऑब्वियसली फोर्ट्स एंड कासल्स आर like this, but then just to see it up front was amazing. ये देखो आप खुद ही देख सकते हो.
ऑब्वियसली ऐसे किसी भी जगह पर जाकर गाइड्स लेना इज़ ऑलवेज सजेस्टेड बिकॉज देन दे टेल यू द स्टोरीज अबाउट हाउ थिंग्स स्टार्टेड. सो यहाँ पर हमारा गाइड हमें बता रहा था अबाउट द गार्डन्स एंड द हवेलीज एंड अ लॉट ऑफ फन स्टफ. एंड अगर आप मेरे जैसे हो तो यू नो यू विल एक्चुअली गो इन दैट वर्ल्ड, यू विल फील वेरी प्रिंसेसी. मैं हमेशा ये सारी चीज़ों से बहुत मेजमराइज हो जाती हूँ और मैं उस एरा में चली जाती हूँ वेयर यू नो आई फील दैट या इस शीश महल में मैं होती तो कितनी मज़ा आती. दिस इज़ द बैक यार्ड जो जोधा अकबर में भी बताया था वे दे हैव द स्वॉर्ड फाइट एंड ऑल. अपेरेंटली ये आमेर फोर्ट का सबसे पहला बना हुआ हिस्सा है, इसीलिए इन द टूर ये सबसे लास्ट में आता है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स फार बिहाइंड. नाउ एज यू कैन सी द पिलर्स आर लाइक दे हैड सम सिग्निफिकेंस. उसने कुछ स्टोरी बोला था, मैं भूल गई हूँ, बट देन या सो यू नो लाइक द मूवी ये सारी चीज़ें मतलब बहुत फैंसी होती थी एंड ऑल. माय डैड सॉ मी डूइंग सम स्लोमो सो इज़ लाइक चलो मैं भी करता हूँ एंड ही इज़ डूइंग द स्लोमो थिंग. ऑब्वियसली द अमेजिंग माउंटेन्स एंड द व्यूज एंड या जस्ट फन स्टफ. नेक्स्ट वी वेंट ऑन टू दिस एलिफेंट राइड सॉर्ट ऑफ अ प्लेस जहाँ पर आपको एलिफेंट्स को नहलाना होता है, उनको पेंट करते हैं, उनके ऊपर चढ़ते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, बट वी डिंट वॉन्ट टू डू इट तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और हम वहाँ से निकल गए. आफ्टर दिस वी वेंट टू जल महल आई थिंक या बट आप देखोगे वाट लगी हुई है. इट वॉज सो डर्टी, इट वॉज सो गंदा, मतलब ऐसा लगा हम क्यों आए. मैंने फिर भी वीडियो में काफ़ी उसका मतलब प्रॉपरली नहीं लिया है पूरा व्यू, बट इफ़ यू कैन सी लाइक वाई डू पीपल डू सच थिंग्स टू टूरिस्ट प्लेसेस आई डो नॉट अंडरस्टैंड. इट इज़ सो सैड टू सी. आई मीन इवन बैक हियर इन बॉम्बे यू सी ऑल दैट, बट देन देर वॉज अ नाइस सनसेट विच मेड अप फॉर एवरीथिंग. We did some cute little street shopping and then we were getting very late. So we headed to the airport after meeting this sweet little camel. Jiska camel wala was like, chalo chalo ride le lo, ye wo, iska naam Chintu hai, Pintu hai and all. And I'm like, shut up. That's it. Then we went to the airport and we realized ki our flight was delayed by 3 hours and hence rather than reaching Bombay at 10:30 we reached at 2 a.m. yes thank you Jet Airways. Anyway, so there were a lot of time जहाँ पे मैंने बहुत सारे photos लिए and these memories are gonna stay with me forever. Like family trips are obviously amazing, but ये बहुत beautiful pictures है जिसके पीछे बहुत सारी stories है and I'm so happy to have gone here. मुझे बहुत अच्छा लगा अपने mom dad को लेके जाके. I think you should always try कि year में एक बार तो आप family trip करो, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, इट डज नॉट मैटर, बट जस्ट टू स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस लाइक दिस इज सो अमेजिंग. सो या लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो इफ यू लाइक माई टूर एंड लाइक स्मॉल लिटल स्टूपिड वीलॉग्स एंड सजेस्ट मी सम प्लेसेस टू गो बिकॉज हम अक्टूबर और नवंबर के लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ जाना है. एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस एंड यू नो टिप्स ऑन हाउ आई कैन मेक दीज वीडियोज़ बेटर फॉर यू गाइज तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. Look at my dad and mom. It is like, mashallah. Chalo, aapse fir mulaqat hogi in another video. Hope you like it. And don't forget to share it with your friends. Hit subscribe button. Hit the like button. Enjoy my photos. And I'll see you. Bye.